हैप्पी एंटरटेनमेंट पेश करते हैं सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृतबाणी विचों व्याख्या सहित रस पीनी गुरबाणी की टेप। ये जन्म तुम्हारे लेखे जिसनों मिठी जिही आवाज़ दिती है भाई मक्खन लाल जी थांदियां वाले अते संगीतक धुना नाल शिंगारिया है हैप्पी सिंह राणा जी ने। ते आओ बड़े ही प्यार नाल ये शब्द सरवण करिए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी गरीब नवाज गुसैया मेरा, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे शतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल। गुरु प्यारे हो, सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस संसार विच क्रांतिकारी समाजिक परिवर्तन किया। उस समाज विच आगमन होया जिन्हां नूं पढ़न लिखन सुनन चंगे कपड़े पहनन आदि मानवी अधिकारां तों वांझे रखिया गया सी। गुरु प्यारिओ, विश्व विच एकता सन्मानता भाईचारा स्थापित करन लई ते दब्बे कुचले समाज नूं उपर चुकन लई अते जात अभिमानियां दा हंकार तोड़न लई गुरु प्यारिओ पानी विच पत्थरां नूं तरौणा पिया, गंगा उल्टी चलाउणी पई, अपना कंधा चीर के चौहां जुगां दे जनेऊ दिखाउणे पए गुरु प्यारिओ, अते राजे महाराजिआं नाल ते कट्टड़ पंथियां नाल आडा लिआउणा पिया। आखीर उन्हां दे क्रांतिकारी मानववादी अते परमार्थी विचारां तो प्रभावित हो के गुरु प्यारिओ चारे वर्ण उन्हां दे चरनी पए अते सत्कार वजों गुरु रविदास जी दी बनारस विच हाथी ते सोने दी पालकी विच बिठा के शोभा यात्रा कढ़ी गई। गुरु प्यारिओ, उस समय सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने परमात्मा दी उस्तत करदे होए ये पावन शब्द उच्चारण किया, जा की शोत जगत को लागे, जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही रे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल। गुरु प्यारिओ आखदे ने जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही ठहरे,
नीचो ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। जिस दी शो लगन नाल जगत दे लोग पिटे जांदे सन, तुसी कृपा कीती है कि अज हर पासे मेरी जय जयकार हुंदी है। गुरु प्यारे हो सतगुरु जी प्रमाण करदे ने, हे मेरे सुंदर स्वरूप परमात्मा जी, इस तरह दा कौतक आप जी तो बिना होर कौन कर सकता है। गुरु कह रहे हो सतगुरु रविदास महाराज जी तो बचपन तो ही चोज दिखाण लग पे सी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बचपन तो ही चोज दिखाण लग पे सी। श्री गुरदास महाराज जी आखते ने कि हजे सिर्फ 5 साल दे ही सन। उना दी माता कलसा देवी जी प्रभु चरणा विच जाओ राजे। गुरु प्यारे हो इस दुख कारण उना दे पिता संतोख दास जी दे मन नूं बहुत ठेस लगी। समय दा चक्कर घूमदा गया, श्री गुरु रविदास महाराज जी ज्यों ज्यों वड्डे हुंदे गए, उन्हां दे कोमल सुभा अते सुंदर शख्सियत तों सब प्रभावित हुंदे सन। गुरु प्यारिओ कर्मावती नां दी इक औरत जिस दी उम्र कोई लगभग 60-65 साल दी सी, ओ सीर गोवर्धनपुर विच रहिंदी सी। उस दा गुरु जी दी दादी लखवती नाल बहुत प्रेम सी। दादी लखपती अक्सर अपने प्यारे पोतरे नू नाल लेके उसनू मिलन वास्ते जाया करदी सी। कर्मावती खुद लखपति नू मिलन नहीं सी आउंदी, क्योंकि उसदी अखां दी रोशनी गई नू 30 साल लंघ चुके सी। पर फिर भी ओ सारा दिन चरखा कटदी सी। गुरु प्यारे हो जदों दादी लखपति कर्मावती नाल गुजरे जमाने दियां गल्लां करदी तां गुरु जी कोल बैठ के सुनदे अते कर्मावती नाल लाड लाउंदे सन। लखपति उस कोलों अन्नेपन विच चरखा कत्तण दा जदों कारण पुछदी आ तां अगो कर्मावती रोण लग पैंदी अते अपनी गरीबी दा वृतांत अते घर दियां मजबूरियां खोल के सुनाउंदी है। गुरु प्यारे हो गुरु रविदास जी ये सब सुनते हैं ते कोमल हिरदा पिघल जांदा। एक दिन सवेर दा वक्त सी, कर्मावती चरखा डा के कत रही सी। गुरु रविदास जी अकले ही उसके घर आ गए। उन्होंने चुप चाप आके पूणिया वाला बोइया चुक लिया, अते कोल खड़े हो गए। गुरु प्यारे हो बीबी कर्मावती पूणिया वाला बोइया हाथ नाल टो के देखती है पर उसनू वो नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद गुरु रविदास जी ने जदों पूणिया वाला बोइया उसे थां रख दिता जिथों चुकिया सी, तदों माता दा हथ सहज सुभा बोइए नू लग गया। वो बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने पहला भी उत्थे ही हथ मारिया सी, उस वेले उसनू वो बोइया नहीं मिलिया। पर कर्मावती नू
ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਤਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਟਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਟਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਖਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਮਾਵਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਮਾਵਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਤੇ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਮਾਈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਅੱਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੌਕਿਕ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਝਟਪਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ
ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨੂ ਤਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ऐसी लाल मेरा गोविंद परमात्मा नीचा तो ऊंच कर दिंदा है अते अजिहा करन समय वो किसे तो डरता नहीं गुरु प्यारियो वो किसे तो डरता नहीं गुरु प्यारियो जिस तरह सतगुरु नामदेव जी सतगुरु कबीर जी सतगुरु तिलोचन जी सतगुरु सदना जी सतगुरु सैन जी परमात्मा दा नाम जप के तर गए सैन भगत जी नू भी तारिया है जिस तरह सैन भगत जी नू भी तारिया है गुरु प्यारियो सतगुरु जी प्रमाण करदे ने उस वेले भगती करन दी लहर चली सी कांछी ते होर शहरां विच भगत मंडलियां बन गई भगत जाने इकट्ठे बैठ के सतसंग करिया करदे सी भगत कबीर दा नां सुन के दूसरा सिख सहण नाई होया ओ राजे कोल नौकर सी राजे दे नौकरी करिया करदा सी सवेरे जाके मुठ्ठी चापी मालिश करिया करदा सी तड़के जाके सेवा पूरी करनी पैंती सी गुरु प्यारियो एक दिन संत आ गए रैन सवाई सारी रात दा कीर्तन होना सी सैन जी ऐसे भजन विच मन ला के बैठे कि राजे कोल जान दा ख्याल ही ना रहा प्रभु परमात्मा दे चरणा नाल ध्यान जुड़िया रहा गुरु प्यारियो संत कीर्तन करदे रहे भगत सैन जी दा प्रभु चरणा दे नाल ध्यान जुड़िया रहा फिर उधर राजे ने सुत्ता उठना सी उस दी सेवा होनी सी गुरु प्यारियो अपने भगत दी इज्जत कैम रखन लई भगतां दे राखे प्रेम दे खिच्चे भगवान नू सैन जी दा रूप धारण करके राजे कोले आना पिया आखदे ने के संतां के कारज आप खलोआ हर कम करावण आया राम भगवान नू सैन जी दा रूप धारण करके राजे कोले आना पिया भगवान ने राजे दी सेवा ऐसी रीज नाल कीती कि राजा प्रसन्न हो गया राजा प्रसन्न हो गया प्रसन्न हो के गलों हार ला के सैन जी दे भुलेखे भगवान नू दे दिता भगवान जी मुस्कराए ते हार ले लिया ते अपनी माया शक्ति नाल ओ सैन जी दे घर जा पाया पर उन्हां नू पता ही ना लगा ऐसी खेड कीती भगतां दे प्रेम विच ऐसा प्रभु बज जांदा है गुरु प्यारियो बस हो के किते नहीं जांदा सवेर होई तड़का दिन चढ़ गया सुरत आई ता ख्याल आया कि राजे दे महलां विच नहीं गए राजे दे महलां विच नहीं गए राजा खफा होवेगा ऐनी गल सोच समझ के तुर पए अगे राजा बाद बगड़ रीवा अपने महल विच टहल रहा सी उसने इशनान कर लिया ते नवे वस्त्र पहन ले सन पर सैन डर नाल कुछ उदासिया उदासिया पहुंचिया ते राजे ने पुछया सैन हुण फिर क्यों आया है हुण फिर क्यों आया है की होर कोई वस्तु दी लोड़ है होर कोई तेनू वस्तु दी लोड़ है अज दी तेरी सेवा तां बहुत ही चंगी सी एहो जी सेवा
ते आज तक कदी भी नहीं मेरी कीती। आज दी सेवा ता बहुत ही वधिया सी। सैन जी ने ख्याल कीता कि राजा गुस्से नाल उपरों हस के आख रहा होवेगा, असल विच अंदरों नाराज है। उसने कंबदिया होया बेनती की, महाराज खिमा बख्शनी, मैं आ नहीं सकया। भगत जाने आ गए सन, कीर्तन हुंदा रहा, कीर्तन सुनन विच मन लगा रहा। मैं खिमा मंगदा हाँ, गरीब सेवादार हाँ। गुरु प्यारियो, ये सुन के राजा हैरान होया। उसने कहा, आज तेनू की होया, ऐसिया गल्ला करता है, मेरे कोल वक्त सिर आया है। सुत्ते नू जगाया, मेरे नौ लाहे, मेरी मालिश कीती, इशनान करवाया, मेरे लीड़े पवाए, ते मैं प्रसन्न होके तो सानू देखो अपने गल दे विच, अपने गल दे विच देखो, मैं तो सानू अपना हार ला के दिता। वो हार अज तेरे गल विच पिया है। गुरु प्यारे हो, भगत सैन ने गल नू हथ मारिया तां सच ही गल विच सोने दे मणकियां वाली माला पई सी। ते उस नू पता लगा, उस वेले उस नू ज्ञान होया, ते प्रभु उस्तत करके राजे नू आखन लगा, हे राजन, हे राजन, सच मैं नहीं आया आज, सच है राजन, मैं नहीं आया। मैं जिस दी भगती कर रहा सा, जिस प्रभु दे चरना विच मेरा मन लगा होया सी, उसने आप आके मेरा कम कीता है। ए माला तुसा भगवान दे गल पाई, भगवान अपनी शक्ति नाल मेरे गल पा गए, ए ता प्रभु दे चोज हन। गुरु प्यारियो, ये सुन के राजा होर हैरान होया। उसनू भी ज्ञान हो गया, ते उसने सैन जी दे चरनी हथ ला के आखिया, भगत जी, भगत जी, हुण तो सानू राज वलों खर्च मिलिया करेगा, हुण तो सानू मेरे राज वलों खर्च मिलिया करेगा, तुसी हुण बैठ के भगती करिया करो, तुसी हुण बैठ के भगती करिया करो। गुरु प्यारियो, ऐसा होया है सैन भगत जी, ऐसा भगत जी होए ने सैन जी, कबीर जी ते रविदास जी वांग आप दी महिमा भी बेअंत है। गुरु प्यारियो, जो नाम जपदा है सो तर जांदा है, जैसे सतगुर साहब जी फरमाउंदे हन, नाम जपण वालियां दी महिमा बेअंत होया करदी है। नाम जपण वालियां दी महिमा, गुरु प्यारियो, बेअंत होया करदी है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द दे विच उचारण करते ने, जा की शोत जगत को लागे तां पर तू ही ढरै, नीचों ऊंच करै मेरा गोविंद काहू ते ना ढरै। कौन कौन नहीं तरे, सतगुरु जी फरमान करते ने कि नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे। इस तरह सदना सैन जी तरे सी, इस तरह सदना सैन जी तरे सी, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु त्रोचन जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी, परमात्मा दा नाम जप के तर गए, जिन्हां ने संसार विच एकता अते सांझी वालता स्थापित करन लई, जिन्हां दे समाजिक क्रांतिकारी ते परमार्थी विचारां अगे राजे महाराजे ते कट्टर पंथियां नू झुकना पिया। गुरु प्यारियो, अते जिन्हां तों सेध लैके अणगिणत जीव
इस संसार विच्चों तर गए। सतगुरु रविदास महाराज जी संतां नूं संबोधन करते हुए फरमाते हैं कि ये संत जनों उस भगवान पासों सब गल्लां बन आउंदियां हन, वो जो चाहे सोई करता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल। लाग जीवो कह रविदास आस लाग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लाग जीवो, रविदास आस लाग जीवो। हम सारे दीन दयाल न तुम सारे अब पतियारे, क्या कीजे का पूरन दीजे। कह रविदास आस लाग जीवो, कह रविदास आस लाग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लाग जीवो, कह रविदास आस लाग जीवो। गुरु प्यारेओ, सतगुरु रविदास महाराज जी मानवता नू निम्रता तारन करके इस मनुखा जन नू परमात्मा दे लेखे लाउण दा पावन उपदेश दिंदे हन। सतगुरु महाराज जी फरमाउंदे ने, हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या कीजे। सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा अगे अरजोई करते हैं कि परमात्मा जी मेरे वर्गा इस संसार विच कोई निमाणा नहीं है, अते तेरे वर्गा निमाणिया नू माण बख्शन वाला कोई दयालु नहीं है, हुण आप मेरी की परख कर रहे हो, आप मेरी की परख कर रहे हो। हुण ते तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा वाली अवस्था है। सतगुर कबीर महाराज जी भी फरमाते हैं, दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बशल पैहारी, आप गरीबां उपर दयालु कृपालु, भगतां दे प्यारे अते दुखां दा नाश करन वाले हो,
आप दुखां दा नाश करन वाले हो। इसे लई ते सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे ने, हाओ बल बल जार मैया कारने कारन कवने अबोल, हाओ बल बल जार मैया कारने कारन कवने अबोल, कह रविदास आस लाग जीओ, कह रविदास आस लाग जीओ, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लाग जीओ, कह रविदास आस लाग जीओ। प्यारे हो सतगुरु जी प्रमाण कर देने, वचनी तोर मोर मन माने, जन कौ पूरन दीजै। हे प्रभु जी, आप जी दे सत ज्ञान रूपी ते मेरा मन मसल गया है, अते इसलिए मैनू अपने दास नू संपूर्ण ज्ञान दियो जी, क्योंकि बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीचे, मैनू पूरन ज्ञान दियो। गुरु प्यारियो, सतगुरु जी प्रमाण करते ने, आओ बल बल जाओ रमैया कारने कारन कवने बोल, सारे संसार विच रमे हुए परमात्मा जी, मैं आप तो बलिहार जानता हाँ, पर की कारण है कि आप मेरे नाल बोल दे क्यों नहीं। सतगुरु नामदेव जी महाराज फरमाते हैं, बल बल जाओ, हाओ बल बल जाओ, हे परमात्मा मैं आप जी तो बलिहार जांदा हाँ। गुरु प्यारे हो, नामदेव जी महाराज बाणी च उच्चारण करते ने, निमत नाम देओ दूध प्याया, ताओ जग जन्म संकट नहीं आया। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, जगत दे तंदे मुख हन, जीव जगत विच रहिंदा होया धंदे करदा अक ते थक जांदा है, पर इंसान दे धंदे नहीं मुकदे, पर बंदे दे धंदे नहीं मुकदे। एक दिन नामदेव जी दे पिता नूं कोई ऐसा कम पै गया कि उस नूं तीन क दिहाड़े बाहर जाना पिया। ओ ठाकरा नूं रोज दुध दा भोग लवाउंदा सी, जदों बाहर चलिया तां उसने नामदेव जी नूं तागीद कीती कि मैं तीन दिन वास्ते बाहर चलिया हाँ, सवेरे उठ के पहलो इशनान करना, फिर मंदिर जाके ठाकुर जी दा इशनान करवाना, ते गऊ चो के दुध दा भोग लवाना। ये गल ना भुलना, जे ठाकुर जी गुस्से हो गए तां असां दा कोई टिकाणा नहीं। इहो तगीद करके नामदेव जी दे पिता चले गए। अगले दिन नामदेव जी सवख्त उठे, इशनान कीता, कपला गऊ दा दुध चो के मंदिर चलिया गया। दुध नूं कुछ उच्ची जगह रख के ठाकुर जी दा इशनान कराया, मंदिर दा अंदरला हिस्सा साफ कीता। जदों थां सुक गई तां धूप तखा के दुध दा छन्ना भरिया,
ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਧ ਕਟੋਰੇ ਗਰਬੈ ਪਾਣੀ, ਕਪਲ ਗਾਏ ਨਾਮੈ ਦੁਹਾਨੀ, ਦੂਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦੇ ਰਾਏ, ਦੂਧ ਪੀਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤਿਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਵਾਪ ਰਜ਼ਾਏ। ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ, ਲੈ ਨਾਮੇ ਹਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀ। ਭੋਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਠਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਛੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਛੰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕਪਲਾ ਕਹੂ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਛੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਠਾਕੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਚਮਚਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸੂਮ ਆਤਮਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਨਾਮੈ ਦੇਖ ਨਰਾਇਣ ਹੱਸੈ। ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਭਗਤ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ।
नामदेव जी दे पिता नूं जद पता लगा तां ओह बहुत प्रसन्न होए। गुरु प्यारिओ इस तरह भगवान भगतां नूं दर्शन दिंदे ने ते इसे लई सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच प्रमाण करदे ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लाग जीवो कह रविदास आस लाग जीवो चिर भैओ दर्शन देखे कह रविदास आस लाग जीवो कह रविदास आस लाग जीवो। गुरु प्यारिओ सतगुरु रविदास महाराज जी बाणी विच प्रमाण करदे ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे हे परमात्मा जी आप तो बिछड़िया होया नू बहुत जन्म हो गए ने आप तो बिछड़िया होया नू पर ए मनुखा जन्म मैं आप जी नू समर्पित कर दिता है मनुखा जन्म आप जी नूं समर्पित कर दिता है। गुरु प्यारिओ सतगुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन किरत करम के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। हे परमात्मा जी असीं कीते हुए कर्मा करके आप जी नालों बिछड़ गए हाँ इसलिए कृपा करके अपने नाल मिलो जी। कह रविदास आस लाग जीवो कह रविदास आस लाग जीवो चिर भैओ दर्शन देखे चिर भैओ दर्शन दे आस लाग जीवो कह रविदास आस लाग जीवो।